चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन रीड करो। क्वेश्चन क्या कह रहा है, व्हाट इंडक्टेंस वुड बी नीडेड टू स्टोर 1 kWh ऑफ एनर्जी इन क्वाइल, इन ए क्वाइल कैरिंग 200 एम्पियर करंट। ठीक है, तो एनर्जी की वैल्यू दिया हुआ है 1 kWh। तो सबसे पहले हम ये लिख लें कि 1 kW कितना होता है, 1000 W के इक्वल होता है, पहली बात। तो इसको आप लिख सकते हैं क्या, 1000 W। अब ये ध्यान रखना, 1 W की वैल्यू 1 J/s के इक्वल होती है। ठीक है, तो अगर मैं 1 J को लिखूं तो इज इक्वल टू 1 W/s लिखूंगा, वॉट सेकंड लिखूंगा। जितना वॉट होगा, वॉट सेकंड होगा, उतना ही जूल के इक्वल होगा। तो यहां वॉट आर है, आर इसको आप लिख सकते हैं 1000 × 1 W, एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में 1 R। अब 1 R जो होता है 3600 सेकंड के इक्वल होता है। तो मैं यहां R की जगह क्या लिख दे रहा हूं, 3600 सेकंड। अब ये कितना हो जाएगा, 36 × 10⁵ W सेकंड हो जाएगा, करेक्ट। इसको आप लिख सकते हैं 3.6 × 10⁵ W सेकंड। अब 1 W/s 1 J के इक्वल होता है, तो इसको 1 J लिख सकते हैं। तो 3.6 × 10⁵ J हो गया, एनर्जी हो गई इतनी। अब एनर्जी जो इंडक्टर के अंदर एनर्जी होती है वो किसके इक्वल होती है, हाफ Li² के इक्वल होती है। U की वैल्यू हम लोग निकाल चुके हैं, 3.6 × 10⁵6 इज इक्वल टू 1/2। L की वैल्यू निकालना है ना, करंट की वैल्यू 200 है, 200 का स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा, 3.6 × 10⁶6 इज इक्वल टू 1/2 × L × 4 × 10⁴। ये हो जाएगा, 2 से ये 2 कटा, ये इधर जाएगा, 1.8 × 10⁶6 / 10⁴ इधर आएगा। तो L की वैल्यू, L इज इक्वल टू आ गई 1.8 × 10⁵2 हेनरी या 180 हेनरी। L की वैल्यू, कौन सा ऑप्शन ज्यादा अप्रोप्रिएट, B वाला ज्यादा अप्रोप्रिएट है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन।